तेजस्वी यादव कल धरना पे थे और उनकी सेना आज राजभवन मार्च कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतरे हैं, राजभवन मार्च करने निकले हैं, अपना 14-17 मांगों को लेकर के ये लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। और इनकी मांग जिस तरह से है वो MSP को लागू करना, सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों की आय दुगनी करने की बात भारत सरकार ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, वो पूरी नहीं हुई है। उसके अलावा 14 मांग ऐसी है जैसे गन्ना किसानों के लिए चीनी मिल की स्थापना, उसके अलावा पशुपालकों के लिए उत्तम किस्म के ब्रीड के पशु को लाना, इसके अलावा जो धान क्रय होता है पैक्स में वो लगातार हर वर्ष घटते जा रहा है, इसको लेकर के ये लोग राजभवन मार्च पर निकले हैं। और इन्हें इनकम टैक्स चौराहा पर रोक दिया गया है और इनके नेता जो हैं उनसे बात करने की बात कर रहे हैं। आज हम लोग 14 सूत्री मांगों को लेकर किसान राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध आंदोलन के कड़ी में, पहला आंदोलन हमारा राजभवन मार्च, इसके बाद एक दिवसीय धरना होगा, इसी कड़ी में हमारा जेल भरो अभियान होगा, इसी कड़ी में हमारा ट्रैक्टर मार्च होगा, इसी कड़ी में हमारा बिहार बंद होगा, इसी कड़ी में हम लोग लोकसभा का घेराव करेंगे, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। ये प्रधानमंत्री, ये झूठा प्रधानमंत्री है, इस प्रधानमंत्री पर मुकदमा दर्ज करें। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मांग करता हूँ, ये आपको भी गुमराह किया है, 17 लाख करोड़ के घाटा का हवाला इसका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिया है, वो सरकार का बयान होता है, वो वकील का व्यक्तिगत बयान नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ, पूरे भारत के सभी फसलों का कीमत 17 लाख करोड़, कैसे 17 लाख करोड़ का घाटा होता, अकल के दुश्मन हो तुम, पूरा फसल खरीद करके नरेंद्र मोदी जी आपके हवाले कर देंगे। यहाँ मजिस्ट्रेट साहब है, इनसे बात करते हैं, ये लोग धरना के लिए राजभवन के लिए निकले थे, आप लोगों ने रोक दिया है, आगे क्या है? राजभवन जाना चाहते हैं, इनको ना तो अनुमति है और वो सभी क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, जुलूस मार्च धरना प्रदर्शन के लिए कोई भी संगठन समूह कोई भी राजनीतिक दल नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आगे रास्ता क्या निकालेंगे, चूंकि ये लोग, इनका मेमोरेंडम हम ले लेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम लेकर भेजवा देंगे। तो ये देखा जिस तरह से मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये इसके आगे जाना ये VIP एरिया है और इधर किसी को भी जाना प्रतिबंधित है, खास करके जुलूस को जाना प्रतिबंधित है, यहाँ से ये लोग एक मेमोरेंडम लेकर के राजभवन पहुंचा देंगे या फिर इनके 5 प्रतिनिधियों को राजभवन ले जाने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ राजीव रंजन कशिश, न्यूज पटना।